यानी यज्ञ कैसा होना चाहिए, ये सवाल व्यास जी से पूछा जाता है। तब वो कहते हैं कि यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ है स्वयं के पापों को आत्मा में आहुति देना। क्या आहुति देना? जैसे हम यज्ञ में कई सामग्रियों का आहुति देते हैं तो आहुति कृत सामग्री अग्नि में जल के नष्ट हो जाती है, वैसे स्वयं के पापों का पश्चातापी चिंतन करके अपने मन की आहुति देनी चाहिए, पापों का नष्ट करना चाहिए। ये मन में पापों को आहुति दे के पवित्र करें, इससे बड़ा यज्ञ कोई चीज नहीं। ऐसे व्यास, हमारे पास पांच वायु है। कितने वायु? क्या क्या वायु? हाँ, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांच वायु। पांच उपवायु है, धनंजय, नाग, कूर्म, देव, दत्त और गृगर। पांच उपवायु, पांच वायु। अभी वो जाने दो, आपको करना क्या है उससे। लेकिन ये पांच वायुओं को पांच अग्नि से आहुति देना, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्ताग्नि, ये सब ब्राह्मण लोग और यज्ञ करते वो पंडित जानते होंगे, लेकिन भागवत में है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे पंचाग्नि से पंचवायु को हुत करना ही आहुति है। यानी यज्ञ कर्म आत्मा को श्रेष्ठ करने वाला, मात्र मन से किया जाने वाला भाव कर्म है। क्या कर्म है? हाँ, अपने वायुओं को शुद्ध करो। घड़ी घड़ी डकार आ रहा है महाराज। क्या आ रहा है? डकार आ रहा है तो उदान वायु विकृत हुआ है। घड़ी घड़ी नीचे से गैस निकले, कई लोगों को पास में कथा में बैठे हुए को बड़ा घबराहट हो कि कहीं सरकूं के भागूं, ऐसे होता है, तो समझना कि अपान वायु विकृत हो गया। उसको हम अपान वायु भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, भाई अपान वायु घड़ी घड़ी छोड़ रहा है। अपान यानी जो वायु मध्य से नीचे उतरे वो अपान, चारों तरफ फैले वो समान, और हमारी नाड़ी में रहे वो प्राण, ऊपर चढ़े वो उदान, और आकाश की ओर उन्मुख हो वो व्यान। तो ये वायुओं को समानित कर करके अंतर में ध्यान करके अपने एक एक पापों को, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब ये नहीं करूँगा, इसको मैं अंतिम आहुति दे के समाप्त करूँगा, ऐसे सोचे, ये सर्वोत्तम यज्ञ। आज आप भी अपने पास कोई कर्म ऐसा हो जिस कर्म से छुपाना पड़ता हो अपने जीवन को, तो उस कर्म की आहुति मन में देके समाप्त कर दीजिए। घर जाने के बाद वो कर्म होना नहीं चाहिए। कई लोग छुप के कोई ना कोई काम करते रहते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। कोई ना कोई छुपने के, छुप के करने जैसा, छुप के जो करते हैं वो पाप का काम ही हो सकता है। और हम माला फेरते हैं तो छुप के करते हैं कि एकदम मंदिर में सबके सामने यहाँ बैठ के करते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि उसको लोग देखेंगे तो तारीफ करेंगे कि अरे माला फेरता, अरे बड़ा भगत है, अरे बड़ा पुण्यशाली है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए तो माला फेरते समय लोगों के सामने बैठ जाते हैं, ये हाथ में पकड़ते समय कथा में बैठ के कोई माला फेर सकते हैं कि भूंगला पकड़ सकते हैं? जब कुछ धुआं निकालना हो तो एकदम गली में छुप के निकालते हो। तो समझ लो कि कोई छुपे जैसा काम आप में है, तो भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे कभी छुप के कोई काम करना नहीं पड़े, प्रकट रूप से मेरा हर काम लोगों के सामने हो, ऐसे मेरा आचरण दे दो भगवान। यही आहुति है। आहुति क्या है? अंदर घुस गया, छुप गया, छुप के धीरे से बाटल खोला और ढोल रहा है अंदर, तो गड़बड़िया है कि नहीं? आपको काफ़ी पीते समय छुपना पड़ता है क्या? चाय पीते समय छुपना पड़ता है क्या? फिर छुपते किस में हो? वो छुपा रहा है तो उस कर्म को छोड़ो। जो भी काम छुप के करने जैसा एक आधा भी काम हो, उस छुपने जैसे काम को छोड़ दोगे तो पद्मावती का जो यज्ञ जितना फल नहीं देता है, उससे ज़्यादा फल आपने जो मन के पाप की आहुति दी, इसका फल बहुत बड़ा आएगा। माँ का आहुति से भी बड़ा आहुति का फल मिलेगा जब आप अपने पाप से निवृत्त हो जाओगे। होगा कि नहीं भाई? तो इस कर्म को करना।